ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰ ਨੇ ਪੰਜ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਘੋੜੀ ये बछेरी है। स्क्रीन भी लगा देंगे, आप देखते रहना क्या उनका आपस में तलाकात थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं जैसा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शदाब विलेज व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है तो आज का व्लॉग करें स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि चंद दिन पहले शायद आपने देखा होगा कि अलीजा सैर की शादी हुई थी, तो आज उसके बारे में एक हम वीडियो बताने वाले हैं। तो पहले इनका आपस में क्या तलाक था, दिल मोहम्मद और अलीजा सैर का, वो भी आपको साथ साथ हम दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करके आल पे प्रेस कर दें, क्योंकि अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हम देते रहें। तो अलीजा सैर और दिल मोहम्मद का जो था एक साल पहले, क्या आपस में तलाकात थे और क्या इनकी दोस्ती थी, वो भी हम आपको बताते हैं, और इनकी आपस में कैसे मोहब्बत हुई वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो भी बात करते हैं प्रूफ के अलावा कोई बात नहीं करते, हमारे पास कोई प्रूफ होता है तो हम आपको दिखाते हैं, वरना हम वीडियो नहीं बनाते। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अच्छा अच्छा किया करें, क्योंकि हम भी हमें भी पता चले कि हमारे व्यूवर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके अच्छे अच्छे लाइक किए करें और कमेंट किए करें। तो सबसे पहले अलीजा सैर और दिल मोहम्मद की हम बात करने वाले हैं कि उनका आपस में क्या तलाकात थे। तो इस सेट पे हम छोटा सा शॉर्ट स्क्रीन भी लगा देंगे, आप देखते रहना क्या उनका आपस में तलाकात थे तो और क्या कर रहे थे, तो इनकी आपस में मोहब्बत कैसे हुई और कैसे इनकी, और इनका जो आपस में पहले तलाक था वो क्या था, और इनकी आपस में रिश्तेदारी थी या गैर थे, वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो सुबह सुबह का आगाज़ है, तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, सर्दियां आ चुकी हैं, सबसे पहले सूरज अभी तक निकला नहीं है, आगे बादल हैं, धुंध वगैरह है, भी इस साइड पे आपको दिखा देते हैं। तो मैं इस टाइम आया था, गंदम बिजाई की थी, ये सामने चेक कर सकते हैं आप, तो इसको देखने आया, तो मैंने कहा ठीक है यार इस वीडियो को भी हम बना देते हैं। तो हमारा जो है काम नहीं है कि किसी की बुराई करें या किसी का जो होता है गीला करें, वो हमारी बात नहीं है, लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं आपको दिखाने के लिए बनाते हैं। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, माशाल्लाह बहुत बड़ी यूट्यूबर और टिकटॉकर स्टार, अल्लाह पाक उसको और हिम्मत दे, अल्लाह पाक और तरक्कियां दे उसे। हमारी तो दुआ होती है कि अल्लाह पाक हर किसी को उसका मकाम हासिल हो जो उस पर मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द उसका मकाम तक पहुँचाए। तो साथ वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो साथ साथ देख सकते हैं आप अलीजा सैर और दिल मोहम्मद आपस में देख सकते हैं एक घोड़ा सवारी कर रहे हैं, वो आप खुद देख सकते हैं, और आपस में उनका क्या तलाकात थे। एक साल पहले की बात है, अब तो 2023 है, 2022 की बात है, तो उस वक़्त इनका आपस में क्या तलाक था, कोई कहता है यार इनका बचपन का प्यार था, कोई कहता है किस तरह का प्यार था, कोई बचपन का प्यार नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, उनको ये भी पता नहीं है कि ये किस शहर में रहता है और किस जगह में रहता है, वो भी उसे पता नहीं था, लेकिन आप खुद सुन सकते हैं उसकी बातें। तो पहले मेरी बातें सुने, बाद में उसकी मैं बातें आपको सुनाता हूँ। तो आपस में उन्हें ये भी नहीं पता था वो कौन सी जगह पे रहता है, कौन से चक में रहता है, कौन से शहर में रहता है। तो वो खुद पूछ रही है कि एक भाई ये कौन सी जगह है, पहले आप वो एक दूसरे को बहन भाई बुलाते थे, ठीक है ना, ठीक है यार, निकाह जब हो जाता है उस वक्त तो बहन भाई ख़त्म हो जाता है, निकाह से पहले हर कोई बहन भाई होता है, ठीक है। तो जब निकाह हो जाता है उस वक्त इस्लाम में भी जायज़ नहीं है बहन बुलाना, क्योंकि उस टाइम मियाँ बीवी का हो जाता है तलाक, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इनका पहले बहुत जो है यार वीडियो बनाई हुई थी, इनके आपस में बचपन की यारी थी, बचपन का प्यार था यार, इस तरह किसी की बहन बहनों के बारे में बात ना किया करें यार, आपके घर भी माँ बहन है, कोई आपके माँ आप कभी अपनी बहन की शादी करेंगे तो अगर कोई और सोचेगा यार इनका भी बचपन का प्यार था, ऐसे ना किसी के बारे में सोचा करें। तो प्यारे भाई इनका पहले जो आपस में तलाक था वो आप खुद इनके ज़बानी सुन सकते हैं। तो सूरज मेरी आँखों में आ रहा है तो मैं इसलिए आँखें बंद कर रहा हूँ, तो वो सुन लें उसके बाद हम बात करते हैं। भाई दिल मोहम्मद का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने सानू इतना जबरदस्त एक अपना पिंड फराया वा, और घोड़िया की सानू सवारी भी करवाई है, और देखो माशाल्लाह सानू खाना भी बहुत खूबसूरत खिला रहे ने। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਵਾ ਚਿਰ ਦੇ ਬਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪੰਜ ਘੋੜੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਘੋੜੀ ਇਹ ਵਛੇਰੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਹਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਤਰ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ हाँ जी जी घोड़ियां की सवारी कर रहे हैं जी इतने माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत गाँव है मेरे नाल जी केड़ी जगह भाई जी भाई हाँ जी छोना वाले 187 जी चंद बातें आपने सुन ली होगी तो इसका मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था यार आप किसी के बारे में बुरा ना सोचा करें बुरा ना कहा करें क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन बेटी हैं ठीक है ना तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसकी बुराई करूं अल्लाह पाक उसको मैं कहता हूं अल्लाह पाक ने उसे हिम्मत दी अल्लाह पाक ने उसकी शादी करा दी है मैं तो बहुत खुश हूं कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो थी वीडियो बनना शुरू हो गई थी वो ये है तो लेकिन अब अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज ईमान में रखेगा और उसका मियाँ भी है बीवी मियाँ बीवी हो चुके हैं तो अब कोई उसके बारे में गलत वीडियो नहीं बनाएगा बाकी लव यू हो गया तमाम मेरे देखने वालों को तो प्यारे भाई मेरे सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर प्रेस कर दें क्योंकि अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फिर हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दुआ में याद रखना।